हेलो एंड वेलकम टू अनदर डे अनदर ब्लॉग। तो अभी मैं इधर जेप्सन गार्डन में एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे आर्ट इन द पार्क फेस्टिवल चल रहा है, सो लेट्स एक्सप्लोर इट। Seeing the state of his skin wriggled and turned himself outside in. एक आर्ट तो इधर भी है नेचर का। ये पूरा का पूरा गार्डन सुंदर सुंदर फ्लावर्स से डेकोरेटेड है एकदम, और बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे जब सनी डे हो और आके ब्लूटूथ स्पीकर में गाने बजाओ और मस्त आराम करो, बहुत आनंद आता है यहाँ पे। सो ये आर्ट इन द पार्क फेस्टिवल, सारे आर्टिस्ट अपना एग्जीबिशन लगा के बैठे हैं एंड वी आर नॉट अलाउड टू टेक देयर पिक्चर्स। और इधर आइसक्रीम कॉर्नर, यहाँ गार्डन में भीड़ बहुत ज़्यादा है और मास्क किसी ने नहीं लगाया हुआ, मतलब आई कैन नॉट इवन स्पॉट सिंगल पर्सन वेयरिंग मास्क इंक्लूडिंग मी। तो इसलिए मैं थोड़ा साइड में आ गया लोगों से और जल्दी से बाहर निकल जाता हूँ। आई डोंट थिंक मेरे लिए इतना कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए है भी यहाँ पे आर्ट इन द पार्क फेस्टिवल। मैं कोई पेंटिंग खरीदने वालों में से तो हूँ नहीं कि पेंटिंग खरीदूँगा यहाँ। बस 2 महीने की और बात है और ये जितने भी हरे हरे पेड़ देख रहे हैं ये सब पीले नीले और कलरफुल हो जाएंगे अलग अलग कलर्स के, मोस्टली रेड एंड येलो, और तब बहुत ही आनंद आता है ऑटम सीजन में यहाँ पे। यहाँ पे ये कबूतरों का खाने का ठिकाना है, लोग आते हैं यहाँ पे इनको फीड करते हैं। तो मैं अब यहाँ से निकलता हूँ और हाँ, अगर जो कल वाला बॉलीवुड का सेक्शन था वो काफ़ी अच्छा था, शायद मेरे पास कल टाइम होता तो काफ़ी एंजॉय करता है यहाँ पे। एनीवे, आर्ट इन द पार्क फेस्टिवल से इतना ही। और यहाँ साइड में मेरी साइकिल पार्क है आराम से, जल्दी से अनलॉक करके और घर निकलते हैं।